आज मैं आपको मैगी पकौड़ा बनाना बता रही हूँ जो बहुत ही आसान है। इनके इंग्रेडिएंट्स ये हैं: नूडल्स, एग पैकेट, टेस्ट मेकर, सब्जियों में गाजर, शिमला मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बेसन 1 कप, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। हम नूडल्स को 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं। 2 मिनट पकाने के बाद हमने नूडल को छान लिया है, पानी पूरा निकल गया है। अब हम पकौड़े का बैटर तैयार करते हैं। सबसे पहले बेसन लेंगे, ये हमने 1 कप बेसन लिया है। अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। आप हमने गाजर और शिमला मिर्च ली है, हरा धनिया, आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी, मशरूम। हरी मिर्च डालेंगे, नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, टेस्ट मेकर भी डाल देंगे। अब पानी डाल के हम थोड़ा सा घोल तैयार करते हैं। ये हमने जो टेस्ट मेकर मिलाया था ये मैगी के पैकेट के साथ ही आया था। अब हम इसमें नूडल्स डालेंगे। नूडल को हल्के से हाथ से तोड़ लेते हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसके पकौड़े बनाते हैं। अच्छे से तेल गर्म हो गया है, अब हम पकौड़े डालते हैं। एक बार में जितनी भी आपकी कढ़ाई में आ जाए उसी हिसाब से आप डालें। अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं, लाल लाल एकदम, अब हम इसको निकाल लेते हैं। मैगी पकौड़ा बहुत